पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारत में भगवत गीता का विरोध किया जाना कुछ आश्चर्यजनक नहीं है। कुछ राजनीतिक दल भारतीय संस्कृति, अपने आदर्श परंपराओं का विरोध करने का अवसर तलाशते ही रहते हैं। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा पद्धति लागू की और लागू करने के बाद उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा कि भारत में पढ़कर के जो बच्चे निकलेंगे वह देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन मानसिक रूप से अंग्रेज होंगे, उन्हें अपनी परंपरा अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं होगा। ऐसे लोग अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद भी वह अपनी संस्कृति भूल चुके होंगे। जो लोग ये विरोध कर रहे हैं कुछ इस ही प्रकार के लोग हैं जो मैकाले के प्रभाव में हैं। वास्तव में भगवद गीता जीवन जीने की कला है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारी अभिव्यक्ति है, ये हमारा आदर्श है। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे इस आदर्श को भारत के कुछ राजनीतिक दलों को छोड़कर विश्व के अंदर अनेक वैज्ञानिक दार्शनिक विचारक चिंतक इसके प्रशंसक हैं। विश्व के बड़े विश्वविद्यालयों में ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन और अध्यापन का कार्य होता है। 75 भाषाओं में 1982 अनुवाद इसके किए जा चुके हैं। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन के नाम से जाने वाले आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब इसके प्रशंसकों में प्रमुख थे। विरोध करने वाले लोग भारतीय संस्कृति से जुड़ी हर चीज का विरोध करते हैं। इन लोगों ने विश्व योग दिवस का भी विरोध किया था। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।